नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवास औद्योगिक थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमोना में एक घर में दबिश दी। पुलिस ने यहां से 14 पेटी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। औद्योगिक थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकेंद्र प्रजापति के मकान शराब की सूचना मिली थी, जिसकी गट्टू उर्फ राजेश कुमावत तस्करी करता है। इसके बाद हमारी टीम मौके पर गई और वहां से 14 पेटी शराब जब्त कर लोकेंद्र और गट्टू दोनों आरोपियों को पकड़ गया। उनके खिलाफ 34/2 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें देशी मदिरा के साथ बियर भी जब्त की गई है। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अमोना क्षेत्र में दुर्गा नगर के पीछे किसी लोकेंद्र प्रजापति का घर है, जहां पर गट्टू उर्फ राजेश कुमावत, जो कि शराब का तस्कर है, उसके ऊपर पूर्व से भी शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा शराब की पेटियां डंप की गई हैं और वहां से लगातार निकाल के वहां से बिक्री की जा रही है। सूचना की पहले गोपनीय जांच कराएगी, तस्दीक होने पर वहां पर अभी रेड की गई है पुलिस टीम के द्वारा और सूचना सही पाई गई। लोकेंद्र प्रजापति के घर में गट्टू उर्फ राजेश कुमावत के द्वारा रखी गई 8 पेटी बियर की केन और 2 पेटी 8 PM शराब के क्वार्टर, 1 पेटी बैक पाइपर ब्रांड के क्वार्टर, 1 पेटी माइल्ड स्टोन ब्लू क्वार्टर, 18 क्वार्टर रॉयल स्टैक के और 40 क्वार्टर वाइट प्लेन देसी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के करीब 14 पेटी शराब बरामद हुई है, देशी विदेशी मिलाकर के, और दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी सर कुछ जानकारी लगी कहाँ से लेकर आ रहे थे और कहाँ बेच रहे थे? अभी चूंकि अभी मामला विवेचना में है और अभी बहुत ही अभी अर्ली होगा ये कहना कि कहाँ से लाया। अभी पूछताछ की जाएगी, अभी पकड़ करके पहले इसकी जो वैधानिक कार्रवाई है प्रकरण पंजीबद्ध करने। ये गट्टू उर्फ राजेश के बारे में ये कहा जा सकता है कि काफ़ी इसके ऊपर पहले से भी शराब तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं, मतलब पुराना ये तस्कर है शराब का, और इसने शराब छिपाने के लिए लोकेंद्र प्रजापति की सहायता ली। उसके घर पर पिछले 1-2 महीने से इसने शराब रखी हुई थी। सर कौन सी धारा में प्रकरण दर्ज? धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।